यह घटना यूपी के श्रावस्ती जिले के कोतवाली भिंगा के ग्राम मदर हवा की है, जहां पर राम गोपाल के बच्चों की हालत हर समय बिगड़ने लगी। जब वह भोजन करके सोने ही वाले थे, जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक 3 वर्षीय चाबू और 5 वर्षीय मोटू की मौत हो चुकी थी और 8 वर्षीय लवकुश की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, जिसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी भी मौत हो चुकी थी। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। श्रावस्ती से शिवानंद कश्यप की रिपोर्ट। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उन्हें बहराइच रेफर किया गया था। सुबह उसकी भी डेथ हो गई, तो 3 बच्चों की डेथ हुई है। प्रथम दृष्टया ये मामला बताया गया कि जो खाना खाया था कुछ लाए थे, उसकी वजह से उसमें मतलब कुछ भी जहरीला पदार्थ या कुछ होने की वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। अभी एग्जैक्ट कारण के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम परिवार के द्वारा नहीं करवाया गया था, रात में ही बच्चों को उनका क्रियाक्रम कर दिया गया था। अब बच्चे तो मासूम हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं हुआ, बड़ों को भी पेट में जलन हुआ है, जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया है। उन लोगों ने जा कर के भी डॉक्टरी अपने कराई है, लेकिन ये नियमानुसार बिल्कुल सही है कि जो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बच्चों में तेज़ी से असर भी करता हो, तेज़ी से उनका जो भी बीमारी होती है उसका सही भी होता है, लेकिन बच्चे चूँकि कोमल थे और ऐसी स्थिति में अगर उसमें थोड़ा सा भी पॉइजन रहा होगा तो उनको बहुत तेज़ी से उनके अंदर फैलता है वो कीट। मामला इस प्रकार निकल के आया कि कल परिवार की एक महिला सदस्य ने आसपास के खेत से जो सरसों का साग इकट्ठा किया था और उसी को बनाया था और बच्चों को खिलाया था। वो साग और खाना खाने के बाद करीब 12 बजे के बाद दोपहर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। उसके बाद जब तक उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता तब रास्ते में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। तीसरे बच्चे को भिंगा में एडमिट कराया गया, जहां सुबह उसको इलाज के लिए बहराइच रेफर कर दिया गया था। बहराइच में आज बड़े बच्चे ने भी अपना दम तोड़ दिया। जो 2 बच्चे थे उन 2 बच्चों को परिवार ने कल ही दफना दिया था। तीसरा बच्चा की लाश अब वहाँ पर मौके पर आ गई। मौके पर कोई शांति व्यवस्था की ऐसी कोई परेशानी नहीं, शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है। हरदोई में अवैध शस्त्र बनाने का हब बना अतरौली क्षेत्र में थाना अतरौली की पुलिस ने एक और अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र बरामद किए। एसपी हरदोई आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर अवैध शस्त्र बनाने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी पूर्वी कुंवर ज्ञानंजय सिंह व क्षेत्र अधिकारी संडीला नागेश मिश्र के पर्यावरण में प्रभारी निरीक्षक थाना अतरौली ओपी तिवारी, एसआई शिवाकांत मिश्र व अतरौली पुलिस टीम ने अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र विश्राम लोहार व संजय पुत्र सुंदरलाल को गिरफ्तार किया। खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक त्रिगुण बिसेन ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मुखबिर की सूचना पर थाना अतरौली पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को महादेव घाट से गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, निर्मित अवैध जो है 12 तमंचे और 6 कारतूस बरामद हुआ है और उनके आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से सर्च कर रही थी और किस बात को लेकर सर्च कर रही थी पुलिस? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अभियान चल रहा है जिले में कि जो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां हैं या अवैध शस्त्र के सप्लायर हैं इनको जो है पकड़ करके बंद किया जाए आर्म्स एक्ट में।